हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था इंग्लिश लिटरेचर का, फर्स्ट दिसंबर को एग्जाम हुआ था 2021 में, जिसकी फर्स्ट शिफ्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो इवनिंग में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा पर्सनली सजेशन है आपको, अगर आप भी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इन दोनों पेपर को अच्छे से एनालिसिस करके ही पेपर में जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द ट्रुथ अबाउट मी ए हिजरा लाइफ स्टोरी। हु इज द ऑथर ऑफ द ट्रुथ, इसका ऑथर बताना है हमने, कौन है ये। एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है रेवाथी का, रेवाथी ने लिखा है, इंडियन राइटर है। और ये जो राइटर है, एज ए बॉय बोर्न एज ए बॉय बट फेल्ट एंड बिहेव लाइक ए गर्ल, देन शी ज्वाइन ए हिजरा ग्रुप। इन्होंने एक हिजरा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद कौन कौन सी डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ी थी, ये सारी चीजें इस बुक में दिखाई गई है। सो ए इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉइन द टर्म इको फेमिनिज्म। ये टर्म किसने कॉइन की है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इको फेमिनिज्म क्या है। इको फेमिनिज्म जो है, ये ब्रांच है फेमिनिज्म की और पोलिटिकल इकोलॉजी की। तो इको फेमिनिज्म के जो थिंकर है, वो एनालाइज करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग एंड नेचर, इन दोनों के बीच में रिलेशन को एनालाइज करते हैं। ह्यूमन बींग में स्पेशली फीमेल, यानी कि फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से नेचर के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें एग्जामिन की जाती है इको फेमिनिज्म में। और जो ये टर्म कॉइन की है, फ्रांकोइस डी अबोन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट वन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर बाय जुडिथ राइट। जुडिथ राइट ने कौन सी दो पोएम लिखी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिटेशन ऑन ए बोन, इट वॉज रिटन बाय एडी होप। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से ये क्वेश्चन आया है, इंपीरियल एडम भी इसी राइटर ने लिखा है, एडी होप ने। एंड वुमेन टू मैन एंड द ओल्ड प्रिजन, ये दोनों वर्क लिखे हैं जुडिथ राइट ने, दोनों पोएम है ये जुडिथ राइट की। तो सी और डी हमारा राइट आंसर है इसमें, ऑप्शन नंबर फोर्थ पे है। Then next one, the function of criticism at present time. What is proposed by Matthew Arnold as the essence of criticism? Function of criticism was written by Matthew Arnold. 1865 में इसको publish किया गया था। और इस work में Matthew Arnold ने कहा है कि एक जो critic है, उसको maintain रखनी चाहिए अपनी जो position है of disinterestedness की। Disinterestedness की position उसको maintain रखनी चाहिए। इसमें क्या आता है? एक critic जो है वो objective होना चाहिए और impartial होना चाहिए। Impartial का मतलब होता है विदाउट बायसनेस। अगर वर्क ऑफ आर्ट को या वर्क ऑफ पीस ऑफ लिटरेचर को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी टाइप की पार्शियलिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। दोनों ही एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है, उसकी टेक्स्ट की जो अच्छी चीजें हैं उस पर भी, और जो बुरी है उस पर, दोनों एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है। तो उसको हम बोलते हैं डिसइंटरेस्टेडनेस। देन नेक्स्ट है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट को मैच करना है, पहली लिस्ट में पोएम दी गई है और दूसरी लिस्ट में पोएट के नाम दिए गए हैं। तो रोड नोट टेकन जो है वो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो ए का हो गया, ए को हम सेकंड के साथ मैच कर देंगे। तो अब ऑप्शन में देखते हैं ए सेकंड कौन से ऑप्शन में है। ए सेकंड जो है बी ऑप्शन में दिया है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड जो है वो और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द रेडिएंट टेक्सुअलिटी। रेडिएंट टेक्सुअलिटी का ऑथर कौन है। Radiant Textuality was written by American author Jerome Magan. Jerome Magan ने लिखा है ये, और इस वर्क में जे मैगन ने जो ट्रेडिशनल जो एरियाज है उनको, उनके बीच में या उनके अंदर कौन कौन से ट्रेडिशनल चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीजें रेडियंट टेक्सुअलिटी में दिखाई गई है। जैसे कि जो स्कॉलरशिप को लेके है, ह्यूमैनिटीज को लेके है, और एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें रेडियंट टेक्सुअलिटी में दिखाई गई है। तो जीरो मैगन ने लिखी है रेडिएंट टेक्सुअलिटी, ए ऑप्शन हमारा राइट है। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ए नोवेल ऑफ फैशनेबल हाई लाइफ इन 19th century। 19th century में एक टर्म पॉपुलर हुई थी, सिल्वर फॉक नोवेल बोला गया था उनको, जो हाई फैशनेबल लाइफ है उसके ऊपर ये नोवेल लिखी गई थी। सो सिल्वर फॉक नोवेल ऑल्सो नोन एज हाई फैशनेबल लाइफ नोवेल। और जो सबसे मेन ऑथर है इसके, जो एसोसिएट करते हैं, उस ऑथर का नाम है थियोडोर हुक। थियोडोर हुक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद करना। थियोडोर हुक एसोसिएट विद फैशनेबल हाई लाइफ नोवेल। और जो दूसरे राइटर हैं इसके साथ, जैसे कि
बल्वर लिटन है और बेंजामिन डिजराइल है, ये भी इसी सिल्वर फॉक नॉवल से एसोसिएट करते हैं। बेंजामिन डिजराइली ने एक वर्क लिखा है सिबिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये सिबिल, सबटाइटल है इसका द टू नेशन, द टू नेशन सबटाइटल है, क्योंकि बेंजामिन डिजराइली ने इस वर्क में इंग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, द रिच नेशन एंड द पुअर नेशन, इसलिए इंग्लैंड को टू नेशन बोला गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सिबिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको पढ़ना है ये। देन इसके बाद नेक्स्ट है अरेंज द राइट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायजेशन। बच्चा सबसे पहले लैंग्वेज एक्वायजेशन करता है तो उसकी फर्स्ट स्टेज के अकॉर्डिंग हमने इसको सीक्वेंस में सेट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं होलोफ्रेस्टिक स्टेज की। होलोफ्रेस्टिक स्टेज जो है इसको वन वर्ड स्टेज बोलते हैं, वन वर्ड स्टेज। और बच्चा एक वर्ड बोलना कब सीखता है, जब वो एक से दो साल का होता है, एक से दो साल का होता है। ठीक है, बैबलिंग करना कब सीखता है बच्चा, जब वो 8 to 14 weeks का होता है, 8 to 14 months। और टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं जब एक बच्चा दो या दो से ज्यादा वर्ड यानी कि मल्टी वर्ड्स जो है वो बोलना सीख जाता है, इस टाइम पे बच्चे की एज जो है 2 to 2.5 years के बीच में होती है, 2 and 2.5 years। और कूइंग जो है, कूइंग करना बच्चा कब सीखता है, छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं जैसे कि गा गा गा, ऐसे वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है वो, जब वो 6 to 8 weeks का होता है। तो सबसे पहले एज के अकॉर्डिंग हमने जाना है, 6 to 8 weeks सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद मंथ 8 to 14 months, फिर बी आ जाएगा, उसके बाद ए 1 to 2 years, देन 2 to 2.5 years ऑप्शन नंबर सी टेलीग्राफिक। ठीक है, तो डी बी ए सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी बी ए सी। तो डी बी ए सी दिया गया है फोर्थ ऑप्शन में, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया में कौन सा ट्रू है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या क्या दी हुई है। इट इज यूजली हैज ए सेंट्रल सिंगल सोर्स। देखो मास मीडिया सेंट्रल होता है और सिंगल सोर्स भी होता है, तो इसको एक बार रख लेते हैं। इट कैन अफेक्ट ए लोकलाइज्ड पॉपुलेशन ओनली। इसने बोला है कि सिर्फ लोकल पॉपुलेशन को ही अफेक्ट करता है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। इट यूजली हैज मल्टीपल सोर्स, मल्टीपल सोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंगल सोर्स दिया हुआ है तो मल्टीपल सोर्स भी एलिमिनेट हो जाएगा। देन इसके बाद है इट्स ऑडियंस इज इन क्लोज प्रोक्सीमिटी टू इट्स सोर्स। तो क्या क्लोज प्रोक्सीमिटी ही होती है, जो दूर दूर बैठे होते हैं, मान लो फॉरेन कंट्री में बैठे हैं तो हम जो कम्युनिकेशन उनके साथ कर सकते हैं, मास मीडिया उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकती है, तो क्लोज तो नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और ये सिंगल सोर्स कैसे है, जैसे कि टेलीविजन है, रेडियो है, ठीक है, इनके माध्यम से मास कम्युनिकेशन की जाती है। क्या हम टेलीविजन से बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये सिंगल सोर्स है। ठीक है, इसी वन वे कम्युनिकेशन होता है इसलिए सिंगल सोर्स है, तो ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा इसमें। देन इसके बाद है विच कैरेक्टर इन हैमलेट अटर्स द लाइन समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। इसका मतलब क्या है, इट डिस्क्राइब द सिचुएशन और करप्शन, कि मतलब कुछ सही नहीं चल रहा है डेनमार्क में। तो ये एक्ट फर्स्ट से लिया गया है, एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ, यहां से ये लाइन आई है। उस टाइम पे होरेसियो और मार्क्यूलस ये दोनों डिबेट कर रहे थे, तो ये लाइन बोली थी मार्क्यूलस ने, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। और इस पेपर में, और ये हैमलेट जो है ये लिखा था किसने, शेक्सपियर ने। यहां से मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें पूछा गया था योरिक, योरिक एक कैरेक्टर है, ठीक है, उसका प्रोफेशन पूछा गया था, तो उसमें वो एक जेस्टर है, और जेस्टर कौन होते हैं, जो किंग्स और जो गेस्ट आते हैं उनका एंटरटेन करने के लिए वो अपॉइंट करते थे कुछ लोगों को, उनको जेस्टर बोला जाता था, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट। तो योरिक का जो प्रोफेशन है वो एक जेस्टर था। और एक यहाँ पे एक रेफरेंस मैं और दे देता हूँ आपको, योरिक जो है एक इंग्लिश लिटरेचर में एक राइटर है जिन्होंने योरिक पेन नेम यूज किया है, तो प्लीज कमेंट में आप लिखो, कमेंट में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है फिर Which of these themes best sum up the preoccupation of the most of Vijay Tendulkar plays? बहुत ही डेप्थ से ये क्वेश्चन लिया गया है। विजय तेंदुलकर के जो प्लेज है उनकी एंडिंग थीम बतानी है हमने, क्या है जब वो सम अप करता है, तो उसमें वर्किंग ऑफ पावर जो है ये उसकी एंडिंग थीम है, ऑप्शन नंबर डी। देन इसके बाद है अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं और उनको पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी में सेट करना है। सबसे पहले एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन दिया गया है। फेरी क्वीन पब्लिश हुआ था 1590 में और 96 में।
ठीक है, लिरिकल बैलेड आया था 1798 में, रोमांटिक एज स्टार्ट होती है तब, ये ऑफिशियल डेट मानी जाती है। और पेब्लो नेरुडा का अगला है फिर कैंटो जर्नल, इसको लिखा गया था 1950 में। देन फ्लावर्स ऑफ इविल चार्ल्स बोडलर ने लिखा है इसको 1857 में। अब देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा। देन उसके बाद बी है लिरिकल बैलेड 1798, देन डी आ जाएगा, फिर सी आएगा क्योंकि लास्ट में है 1950 में। तो ए बी डी सी देखो कौन से ऑप्शन में है, ए बी डी सी इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सेकंड, सो सेकंड इसमें हमारा राइट आंसर है। देन नेक्स्ट है फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ द इंग्लिश एज यूज इन इंडिया, स्टेटमेंट देखते हैं कौन सी सही है, इंग्लिश यूज की जाती है इंडिया में उसके अकॉर्डिंग। इंडिया इज काउंटेड अमंग द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड, क्या इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी है वर्ल्ड में? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं वो इंग्लिश बोलती है इंडिया में। देन नो ग्रुप कम्युनिटी और पॉपुलेशन ऑफ इंडियन क्लेम इंग्लिश एज इट्स मदर टंग, तो बहुत सारे ये बोल रहा है कि कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई भी कम्युनिटी नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है इंडिया में जो क्लेम करती है कि इंग्लिश उनकी मदर टंग है। बट बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको हिंदी बोलना यहाँ नहीं आता है, तो वो हिंदी को अपनी मदर टंग कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। देन मोर देन 50% ऑफ इंडियन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, 50% से ज्यादा लोग जो है फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, क्या ये राइट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 50% से ज्यादा लोगों को बोलनी फ्लुएंटली नहीं आती है। इंग्लिश इज द कंट्रीज प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए एज ए बिजनेस पर्पज के लिए तो ये एक प्रिंसिपल लैंग्वेज है, इंग्लिश एक प्रिंसिपल लैंग्वेज है। ठीक है, आजकल ई कॉमर्स की बात देखो या कोई भी बिजनेस है, बड़े बड़े बिजनेस पर्पज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज की जाती है, तो ये आंसर भी सही होगा। तो हमने दो ही चूज करने थे, इसमें ए और डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला भी देख लेते हैं एक बार, विद द ग्रोविंग स्टेचर ऑफ हिंदी एज लिंगुआ फ्रांका, इट हैज स्प्लेंडिड इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये एक लिंक बनाती है। ऐसा तो कुछ नहीं है इंग्लिश का, ऐसा कोई रोल नहीं है इंडिया में, तो ए और डी ही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ए एंड डी, राइट। नेक्स्ट है फिर, इन द लाइफ ऑफ काउले विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म वर मेड बाय सैमुअल जॉनसन अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ राइटर ही टर्म्ड टू द मेटाफिजिकल पोएट, लाइफ ऑफ काउले लिखा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 1781 में, इन्होंने एक बुक लिखी है द लाइव्स ऑफ पोएट, जिसमें 52 पोएट्स की बायोग्राफी लिखी गई है, जिसमें मेटाफिजिकल पोएट्स भी आते हैं, और मेटाफिजिकल पोएट्स में उन्होंने इंक्लूड किया है जॉन डन को, अब्राहम काउले, एंड्रयू मार्वल, इन पोएट्स को इंक्लूड किया है। तो मेटाफिजिकल का मतलब देखते देखो क्या होता है, सबसे पहले मेटा मतलब बियॉन्ड, फिजिकल जो वर्ल्ड है उससे हटके हैं चीजें। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, दे मेड एन इनएप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ विट एंड इमेजिनेशन, विट का प्रयोग किसने किया है सबसे ज्यादा, जो नियो क्लासिकल लिटरेचर में विट का यूज हुआ है, इमेजिनेशन जो है वो किसमें यूज हुई है, रोमांटिक में हुई है, ठीक है। देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग पोएट्री दे ओनली रोट वर्स, ये सही है, वो पोएट्री लिखने की बजाय वर्स में लिखते थे, फ्री वर्स में लिखते थे। दे नाइदर कॉपीड नेचर नोर लाइफ, उन्होंने ना ही नेचर को कॉपी किया है ना ही लाइफ को कॉपी किया है। तो यहाँ पे देखो मेटा का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, तो नेचर से और लाइफ से बहुत ज्यादा हटके इन्होंने लिखा है, तो कॉपी नहीं किया उनको, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगी। दे नेवर ट्राई टू सिंगुलर इन दियर थॉट, वो सिंगुलर नहीं थे, कभी नहीं रहे थे अपने थॉट में, बट वो हमेशा सिंगुलर ही रहे थे, ये भी इलिमिनेट हो जाएगा। तो दो ऑप्शन अब हमारे पास बचते हैं कि पहला तो बी है और दूसरा सी है, बी और सी इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग पोएम्स, अरेंज द फॉलोइंग पोएम्स बाय डब्ल्यू बीट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन, डब्ल्यू बीट्स की पोएम है, क्रोनोलॉजी में उनको सेट करना है। द वाइल्ड स्वान्स एट कूले, ये लिखी गई थी 1919 में, सेकेंड कमिंग को लिखा गया था 1920 में, और अमंग स्कूल चिल्ड्रन जो है ये लिखी गई थी 1928 में, ठीक है, एडम कस वॉज रिटन इन 1903, तो सबसे पहले 1903 वाला आएगा डी। अब डी देखो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ए बी सी, डी देन ए बी और सी, अब पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग जो है ये क्रोनोलॉजी जो है वो सही होगी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट आर्टिकुलेट्स फ्रेंच फैनन पॉलिटिकल पोजिशन, फ्रेंच फैनन की जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो बेस्ट डिस्क्राइब करती है कौन सी स्टेटमेंट को,
फ्रेंच फैनन जो है उन्होंने पॉलिटिकल पोजीशन में क्या बोला था कि जो मिडिल लेवल के जो लोग हैं, जो मिडिल स्तर के लोग हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, वो एक नेशन को बिल्ड करने में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है, ये बोला था पॉलिटिकल पोजीशन में। तो ऑप्शन में देखते हैं, कॉलोनियलिज्म की बात है, मिडिल लेवल की बात नहीं है यहाँ पे, पीजेंट एंड सोशल आउटकास्ट ये मिडिल है, हैव लिटिल रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल इन अफ्रीका, ठीक है, इसको एक बार रख लेते हैं। सोशल ऑपरेशन इन द थर्ड वर्ल्ड एज ए मैटर ऑफ रेस एंड रेस देन ऑफ क्लास, ऐसा भी नहीं है। देन लास्ट है, अफ्रीकन बुर्जुआजीज कैन नेवर सक्सीड इन द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग बुर्जुआजीज ये वर्ड यूज किया गया है मिडिल स्तर के लिए, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि वो सक्सीड नहीं हो सकते कभी भी नेशन को बिल्ड करने में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ये भी इलिमिनेट हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन भी इलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे, तो डी हमारा राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है फिर, हु इन द वर्ल्ड एज इंडिया आर्ग्यूज दैट इंग्लिश कैन बी द ओनली कॉमन यूनिफाइंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया। एक राइटर है जिसने एक स्पीच दी है, ये एक डिलीवर किया है स्पीच को द वर्ल्ड एज इंडिया, उसमें उसने बोला था कि इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंडिया को यूनिफाई कर सकती है, और ये स्पीच डिलीवर किया था सुजान सैंटोक ने, अमेरिकन राइटर है और फिल्म मेकर है ये, इन्होंने ये स्पीच डिलीवर किया था द वर्ल्ड एज इंडिया, तो ऑप्शन नंबर डी है इसमें राइट। देन उसके बाद है, लिस्ट दी है, मैच करनी है, एक तरफ राइटर दिए गए हैं, दूसरी तरफ बुक्स के नाम दिए गए हैं, तो होमी के भाभा है इसमें, टी एस इलियट, रोला बार्थ और जॉन फिस्के। अब बुक्स देखते हैं, रीडिंग द पॉपुलर द लोकेशन ऑफ कल्चर नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, इसका तो सबको पता होगा, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर किसने लिखा है, टी एस इलियट ने, तो बी को हम मैच करेंगे थर्ड के साथ। अब बी देखो थर्ड कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है, और होमी के भाभा ने लिखा है द लोकेशन ऑफ कल्चर, इसको हम सेकेंड के साथ मैच करेंगे, ए का सेकेंड हो गया, और रीडिंग द पॉपुलर लिखा है जॉन फिस्के ने, तो डी का फर्स्ट भी इसमें मैच हो रहा है। अब बचा सी का फोर्थ, तो रोला बार्थ ने लिखा है इमेज म्यूजिक एंड टेक्स्ट, 1966 में लिखा था इसको, ठीक है, तो ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट। देन इसके बाद है, वर्ड्स विद द सेम प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग्स आर, इसको ध्यान से समझना, सेम प्रोनाउंस होने की बात कर रहा है ये, और मीनिंग्स जो है उनके डिफरेंट होते हैं, तो इसमें सब में देखो स्टार्टिंग में होमो दिया है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है। होमोनिम्स में क्या होता है, स्पेल जो है वो सेम होती है, प्रोनाउंस सेम किया जाता है, बट मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेल नहीं पूछा गया है। आगे हम देखते हैं होमोग्राफ, होमोग्राफ में क्या होता है, स्पेल जो है वो सेम होती है लेकिन उनको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। यहाँ पे सेम प्रोनाउंस होने की बात कर रहा है लेकिन यहाँ इसमें होमोग्राफ में प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होती है, तो ये भी इलिमिनेट हो जाएगा। होमोलॉग्स क्या होता है, होमोलॉग्स में सब कुछ सिमिलर होता है, इसमें पोजीशन सिमिलर होती है, स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिमिलर होती है, तो इसमें डिफरेंट की कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग के डिफरेंट होने की बात पूछी है इसने, तो ये भी इलिमिनेट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन दिया है होमो, होमोफोन्स, होमो का मतलब सेम है और फोन्स का मतलब होता है साउंड्स, तो सेम प्रोनाउंसिएशन होगी इसमें और साउंड्स जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है, तो इस ऑप्शन में होती है जिसकी सेम प्रोनाउंसिएशन होती है और मीनिंग्स जो है उनके डिफरेंट होते हैं, तो ये डी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है फिर लिस्ट दी गई है, फिर से मैच करना है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, एस टी कॉलरेस, ए डब्ल्यू पिनेरो, अल्फ्रेड टेनिसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इसमें क्वीन मैरी है, सेकेंड मिसिज ट्रैंक्वेरी है, रिमोर्स द बॉर्डर्स, स्ट्राफोर्ड, द बॉर्डर्स जो है ये किसने लिखा है, सबने पढ़ा होगा, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने, इट इज द ओनली प्ले बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, बॉर्डर को हम मैच करते हैं वर्ड्सवर्थ से, तो ई का फोर्थ हो जाएगा। अब देखो ई फोर्थ दिया गया है इसमें, सेकंड में और फोर्थ में, दो में दिया गया है, अब और चेक करना पड़ेगा हमें। स्ट्राफोर्ड किसने लिखा है, स्ट्राफोर्ड लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, तो ए का फिफ्थ के साथ हम इसको मैच करेंगे, तो ए का फिफ्थ देखो अब कौन से ऑप्शन में है, ए का फिफ्थ दिया है फोर्थ ऑप्शन में, तो दो ऑप्शन हमें, दो क्वेश्चन सही मिल रहे हैं, तो हम फोर्थ के साथ ही जाएंगे। और देख लेते हैं इसमें, क्वींस मैरी लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के साथ इसको मैच कर देंगे, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट जो है यहाँ पे देखो इसमें दिया हुआ है, और रिमोर्स जो है वो लिखा था एस टी कॉलरेज ने, तो बी का थर्ड हो जाएगा,
बी का थर्ड इसी ऑप्शन में है, सी का सेकंड, लास्ट में यही बचा है तो यही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज कौन सी है, जिस लैंग्वेज की मतलब डेथ हो चुकी है, अब लिविंग नहीं है, ठीक है, डेथ तो क्या बोलेंगे इसको, जो लैंग्वेज अब लुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसको हम डेड लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। तो ये गोथिक एक लैंग्वेज है, ईस्ट जर्मन में इस लैंग्वेज को बोला जाता था, ईस्ट जर्मन में, और गोथिक नाम का एक कम्युनिटीज थी, एक ट्राइब था, ये इस लैंग्वेज को बोलते थे, बट ये लैंग्वेज अब पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसलिए इसको डेड लैंग्वेज बोला गया है। सो गोथिक हमारा राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब सुपीरियर वर्ड्स विच आर द रिजल्ट ऑफ इनडेवर्टेंट एरर्स। ये एरर से पैदा होते हैं, मेड बाय द कॉपिस्ट प्रिंटर एंड एडिटर। इसमें देखो, इसमें घोस्ट वर्ड दिया गया है, ये घोस्ट वर्ड जो है ये लिंग्विस्टिक की एरर से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो घोस्ट वर्ड इसमें ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देन नेक्स्ट है, विच इन हिज रिकास्टिंग द कैनन ऑफ इंग्लिश पोएट्री इन न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वॉज राइट। कौन सा पेयर इसमें राइट है, एक बुक लिखी है न्यू बियरिंग इन इंग्लिश पोएट्री, ठीक है, किसने लिखी है ये, एफ आर लेविस ने, और एफ आर लेविस ने एक पेयर ऑफ राइटर को डिग्रेड किया है, डाउनग्रेड किया है, उनका जो लेवल है वो डाउन दिखाया है, और वो दो राइटर थे मिल्टन एंड सैली। इसका भी ऑप्शन बी सही होगा, मिल्टन एंड सैली वर डाउनग्रेडेड बाय एफ आर लेविस इन न्यू बियरिंग इन इंग्लिश पोएट्री, राइट। नेक्स्ट है, फिर दो स्टेटमेंट दी गई है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन्स ऑफ वेटिंग फॉर गॉडॉट आर स्पोकन बाय एस्ट्रगन। क्या ये ओपनिंग लाइन और क्लोजिंग लाइन जो है एस्ट्रगन ने बोली है, ठीक है, ये जो ओपनिंग लाइन है, वेल शैल वी गो, ये दोनों लाइन जो है एस्ट्रगन ही बोलता है, ओपनिंग लाइन भी और क्लोजिंग लाइन भी। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट एस्ट्रगन एकोस पोजोल स्टेटमेंट, दे गिव बर्थ एस्ट्राइड ऑफ ग्रेव, बट यहाँ पे देखो एस्ट्रगन दिया है एस्ट्रगन इकोज पोजो स्टेटमेंट, लेकिन पोजो की इस स्टेटमेंट पे लक्की जो है वो इको करता है, इकोज पोजो, लक्की इकोज पोजो स्टेटमेंट, तो ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर वर्क्स बाय आई ए रिचर्ड। कंसेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो लिखा है रेने वेलिक, ठीक है, रेने वेलिक। देन साइंस एंड पोएट्री, ये आई एच रिचर्ड ने लिखा है, फिलोसफी ऑफ रिटोरिक भी इसने लिखा है, और इंग्लिश लिटरेचर इन आवर टाइम एंड द यूनिवर्सिटी ये लिखा है एफ आर लेविस। तो ये दोनों बी और सी जो है वो लिखे हैं आई ए रिचर्ड ने, बी और सी ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। Then next है, which of these are generally taken to be true of cultural study? Cultural study के बारे में हम कौन सी statement को true मानेंगे? क्या वो politically engaged थे? जो cultural studies जो है वो उन, ये एक बहुत ही broad term है, एक umbrella term है, जिसके अंदर बहुत सारे जो areas हैं उनको cover किया जाता है, political है, geographical conditions को इसमें study किया जाता है, feminism को इसमें study किया जाता है, तो इसमें politically ये engaged थे, तो ये सही है। प्रिविलेज टेक्स्ट ओवर कॉन्टेक्स्ट, ऐसा नहीं है, कल्चरल स्टडीज में ऐसा नहीं किया गया। इट हैज सिंबॉलिक रिलेशनशिप विद फॉर्मलिज्म, क्या फॉर्मलिज्म के साथ इनका सिंबॉलिक रिलेशनशिप था? नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत होगा। इट स्टडी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टेक्स्ट, ये ऐसा करते थे, ठीक है, टेक्स्ट को प्रोड्यूस करते थे। तो ए और डी हमारा ये सही होगा, ए और डी दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकेंड में, तो बी होगा इसमें राइट आंसर। देन उसके बाद है फिर नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है, लिस्ट मैच करनी है यहाँ पे, लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट है, दूसरी तरफ लोकेशन दी गई है, बहुत ही बेतुका क्वेश्चन पूछा गया ये तो। कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी ये सिचुएटेड है चेन्नई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का सेकंड मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में, और धन्या लोका जो है ये मैसूर में है, भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ये है पुणे में, और एशियाटिक सोसाइटी जो है ये कोलकाता में सिचुएटेड है, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। देन इसके बाद है फिर नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड इन इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर के अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं
प्रेनसाचार्य समस्कारा लिखा था आनंद मूर्ति ने, आनंद मूर्ति ने इसको 1965 में लिखा है। देन स्कूनी महाभारता, महाभारत में स्कूनी अपीयर हुआ है, ये तो काफी साल हजारों वर्षों पूर्व लिखी गई है तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते, तो ये सबसे पहले ही आएगा, ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन है रूस्टी, रूस्टी द रूम ऑन द रूफ, इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है 1956 में। और गोबर गोर्डन नाम का एक वर्क लिखा है प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में इसको लिखा गया था, ठीक है, इसमें ये अपीयर हुआ है कैरेक्टर गोबर। देन सबसे पहले इसमें शकुनी आएगा, देखो बी ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं कौन से मिल रहा है, बी तो तीन में दिया हुआ है तो ए तो देखो इलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं गोर्डन वाला 1936 में लिखा गया है तो ये डी दिया हुआ है, फिर उसके बाद बी डी, ये है फोर्थ ऑप्शन भी, तो बी डी सी और ए, ये क्रोनोलॉजिकल जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। इसके बाद अगला है विच ऑफ दीज कंट्रीज डज मोंटाइन एसे ऑफ कैनिबल्स फोकस, जो ये ऑफ कैनिबल एसे लिखा है मिशेल डे मोंटाइन ने, कौन सी कंट्री पे फोकस करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिशेल डे मोंटाइन की, मिशेल डे मोंटाइन जो है सबसे पहले एसे लिखने शुरू किए थे मिशेल डे मोंटाइन ने, जिसको फादर ऑफ एसे बोला जाता है। उसके बाद फ्रांसिस बैकन ने इनको कॉपी करना शुरू किया और उन्होंने अपने एसे लिखे, जैसे कि ऑफ ट्रूथ है, ऑफ मैरिज, ऑफ स्टडी, ऑफ चिल्ड्रन, ये सारे एसे लिखे हैं फ्रांसिस बैकन ने इनको कॉपी करके, इसलिए उनको बोला जाता है फ्रांसिस बैकन इज कंसिडर्ड फादर ऑफ इंग्लिश एसे, ठीक है। तो ऑफ कैनिबल किसने लिखा है, मोंटाइन ने, और इस वर्क में ये ब्राजील जो कंट्री है इस पे फोकस किया गया है। इस कंट्री में एक एक ट्राइब है टूपी नाम्बा करके, टूपी नाम्बा, ठीक है, ये एक ट्राइब है, इसमें ये जो लोग होते हैं टूपी नाम्बा लोग, ये अपने एनिमीज की डेड बॉडी को खाते हैं और एज ए मैटर ऑफ ऑनर, ठीक है, वो इसको एक सम्मान की बात मानते हैं वो, अगर वो अपने एनिमीज की डेड बॉडी खाते हैं, तो ये ब्राजील पे फोकस करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट होगा इसमें। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग पोजिट द ट्रेडिशन ऑफ ग्रेट राइटर्स एज द इनस्केपेबल फैक्ट एंड टेक्स एन एम्बिवेलेंट पोजिशन ऑफ कंसिडरिंग एज बोथ ब्लेसिंग एंड कर्स। सबसे पहले हम देखते हैं जो ग्रेट राइटर है उनकी ट्रेडिशन पोजिट की है, इनस्केपेबल फैक्ट एंड टेक्स एम्बिवेलेंट पोजिशन ऑफ कंसिडरिंग बोथ ब्लेसिंग एंड कर्स की बात होगी। तो सबसे पहले ग्रेट राइटर को सुन के हमारे माइंड में एफ आर लेविस के बारे में बात आएगी कि ग्रेट ट्रेडिशन में उनको चार जो मेन राइटर है उनको कैनोनाइज किया है, ये एफ आर लेविस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो वर्क है ना द ग्रेट ट्रेडिशन, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ग्रेट ट्रेडिशन बाय एफ आर लेविस, बट इसमें एफ आर लेविस नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे एलिमिनेट होगा। यहाँ पे है हैरोल्ड ब्लूम, हैरोल्ड ब्लूम ने ब्लेसिंग एंड कर्स के बारे में बात की है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। एफ आर लेविस ने ग्रेट ट्रेडिशन में उनके ब्लेसिंग और कर्स जैसी कोई बात नहीं की है। देन इसके बाद है फिर प्ले और प्ले राइट दिए गए हैं, ठीक है, एक तरफ जो है वो प्ले के नाम है, दूसरी तरफ प्ले राइट के नाम है। मैडमैन एंड स्पेशलिस्ट, इसको किसने लिखा है, मैडमैन एंड स्पेशलिस्ट वॉज रिटन बाय वोल्सोयर का, ए का सेकंड होगा, फर्स्ट में भी दिया गया है, सेकंड में भी दिया गया है। बी है फिर द सी एट डेफ्यून, ये लिखा है डायरेक्ट वॉलकॉट, डायरेक्ट वॉलकॉट जो है उसको ऑप्शन नंबर बी के साथ हम मैच करेंगे, बी का थर्ड दिया हुआ है, देखो बी का थर्ड कौन से ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक और देखना पड़ेगा आगे। द ट्रायल ऑफ डेडियन केमथी, ये लिखा है एनगुगी वो त्योंगुल, तो सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का जो है वो फर्स्ट बच गया, एंड एको इन द बोन, ये लिखा है डेनिस कोड, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद है फिर चूज द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये लिखा गया था 1997 में, इसके लिए इनको बुकर अवार्ड मिला है अरुंधति रॉय को 1997 में। किरण देसाई ने इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखा है 2006 में, 2006 में भी किरण देसाई को भी बुकर अवार्ड मिला है। शशि देश पांडे द लॉन्ग साइलेंस लिखा है 1988 में, और जुम्पा लहरी ने नेमसेक लिखा है 2003 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुम्पा लहरी नेमसेक, यहाँ पे एक जर्मन रशियन राइटर का रेफरेंस है इसमें, निकोलाई गोगोल, असीमा और अशोक जो है एक कपल है, ठीक है, वो अपने बेटे का नाम इस रशियन राइटर निकोलाई गोगोल के नाम पे, अपने बेटे का नाम वो गोगोल रखते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है।
इसको अच्छे से पढ़ना है। तो अब देखते हैं क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे पहले आएगा। सबसे पहले शशि देशपांडे 1988 में लिखा गया था, सी ऑप्शन। देन उसके बाद 1997 ए, देन डी 2003 में लिखा है झुम्पा लहरी ने, और फिर उसके बाद बी, सी ए डी बी। ये देखो कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, सी ए डी बी ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर ट्रू ऑफ रेमंड विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी। रेमंड विलियम का जो कल्चर एंड सोसाइटी है उसके बारे में बताना है कि कौन कौन सी जो स्टेटमेंट वो ट्रू दी गई। इट क्रिटिक्यूज द आइडिया ऑफ हाई कल्चर, हाई कल्चर के आइडिया को क्रिटिक करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो ये सही होगा, ओवरलुक नहीं करता हाई कल्चर को ये। इट डिफाइंस कल्चर एज ए वे ऑफ लाइफ, कल्चर को वे ऑफ लाइफ बोला है, ये भी सही है। इट इक्वेट कल्चर विद साइंस, कल्चर को साइंस के साथ इक्वेट नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा। ए और सी इसमें सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है ए एंड सी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स फिगर इन सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडोट। वेटिंग फॉर गोडोट में कितने कैरेक्टर हैं, चार कैरेक्टर हैं, एस्ट्रेगन, पोजो, लक्की एंड लादमिर, ठीक है, ये चार कैरेक्टर हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से हैं, बेसेनियो नहीं है, मर्फी भी नहीं है, तो ये दो होंगे एस्ट्रेगन और पोजो, ए और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। उसके बाद है फिर टेक्स्ट दिए गए हैं, ऑथर के नाम दिए गए हैं। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग किसने लिखा है, फ्रांसिस बैकन ने, 1605 में लिखा गया था ये, फ्रांसिस बैकन। ए का हो जाएगा सेकंड, देखो सेकंड कौन से में है, ए का सेकंड, सेकंड ऑप्शन में ही दिया गया है, एक से ही सोल्व हो रहा है। देन पास्ट एंड प्रेजेंट किसने लिखा है, थॉमस कार्लाइल, ठीक है। और इंग्लिश स्ट्रेट जो है ये लिखा है आर डब्ल्यू एमर्सन ने, फोर्थ वाला। इलनेस एंड मेटाफर लिखा है सुजान सेंटो, तो ये ऑप्शन हमारा क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सही होगा। देन इसके बाद है फिर हु रोट पोस्ट मॉडर्न रीवर्किंग ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के एक वर्क को लेके दोबारा से इस पे वर्क लिखा गया है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन पे, विदाउट ऑल्टरिंग द ओरिजिनल टाइटल। ओरिजिनल टाइटल को ऑल्टर नहीं किया गया है, एज इट इज टाइटल लिया गया है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इट वॉज रिटन बाय अमेरिकन ऑथर केथी एकर, इसने लिखा है ये, बी ऑप्शन वाला, ठीक है। नेक्स्ट है फिर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है, देखते हैं कौन सी सही है। लैंग्वेज इज नॉट रिलायबल टूल ऑफ कम्युनिकेशन, देखो सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दी हुई होती है उसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों पे ध्यान देना है, नॉट, नेवर, ऐसी चीजें दी हुई होती है। तो देखो लैंग्वेज इज नॉट ए रिलायबल टूल ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज जो है रिलायबल टूल नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, तो क्या लैंग्वेज के बिना कम्युनिकेशन हो सकता है, नहीं हो सकता कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज के बिना प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर सकते, सेज डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन का ऐसा मानना है, बट आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ थ्योरी ऑफ साइन एज ए सेल्फ सफिशियंट यूनियन ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, तो ये क्रॉस हो जाएगा क्योंकि लैंग्वेज जो है वो रिलायबल टूल है कम्युनिकेशन करने के लिए। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डीकंस्ट्रक्शन क्लेम दैट लैंग्वेज इज नॉन रेफरेंशियल सिंस इट रेफर Neither to the things in the world nor to our concept of thing, but only the play of signifier. अब ये लैंग्वेज को बोलते हैं कि ये सिर्फ सिग्निफायर है, तो लैंग्वेज जो है वो सिग्निफायर होती है, सिग्निफायर, और जो कंसेप्ट है ये हमारा सिग्निफाइड होता है। तो इसने ये बिल्कुल सही बोला है, लैंग्वेज सिग्निफायर है, देखो ठीक है, तो लैंग्वेज को क्या बोला है इसने, सिग्निफायर, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है और सेकंड जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया है, फोर्थ वाला राइट होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हु रोट द लेबिरिंथ ऑफ सॉलिट्यूड। लेबिरिंथ ऑफ सॉलिट्यूड किसने लिखा है, एक मैक्सिकन राइटर है ऑक्टिवो पास, जिसको 1990 में नोबेल अवार्ड मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है लिटरेचर के लिए, और इस बुक को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है इसमें। देन इसके बाद नेक्स्ट है फिर हु इज द ऑथर ऑफ टाइपोलॉजी ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, ये किसने लिखा है, जुआन टोडरोव, ऑप्शन नंबर बी है, जुआन टोडरोव ने लिखा है ये, ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट है हु अमंग दीज सॉन्ग राइटर्स हु हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज जो है कौन से सॉन्ग राइटर को मिला है, एल्टन जॉन को नोबेल प्राइज नहीं मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में,
उसके बाद है बॉब डायलन। बॉब डायलन को भी 2016 में नोबेल प्राइज मिला है और बॉब मार्ले को नहीं मिला है, ये भी इलिमिनेट हो जाएगा। तो बी और सी अक्षर जो है वो सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बी एंड सी। उसके बाद नेक्स्ट है फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग नैरेटिव साइकिल्स इज रेफर्ड इन मिशेल फूकोज व्हाट इज एन ऑथर, व्हाट इज एन ऑथर में कौन सा नैरेटिव साइकिल्स यूज किया गया है। इसमें ये देखो लास्ट में दिया है तूतीनामा, ये इसका इसका मतलब होता है द टेल ऑफ पैरट, द टेल ऑफ पैरट। इसको एक इंडियन ऑथर ने लिखा है और ऑथर का नाम है नागसाबी, नागसाबी, ठीक है, ये ऑथर का नाम है। पर्शियन लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। तो इस नैरेटिव साइकिल्स को फॉलो किया है व्हाट इज एन ऑथर में मिशेल फूको के द्वारा। उसके बाद अगला है फिर मैच करने वाला है क्वेश्चन, नोवेल दी गई है, दूसरी तरफ जो है वो राइटर के नाम है। तो हैंडफुल ऑफ डस्ट किसने लिखा है, एवलिन वॉग ने, ऑप्शन नंबर सेकंड है। ब्राइटन रॉक लिखा है ग्राहम ग्रीन ने। तो ए का हो गया सेकंड, बी का है फिफ्थ, ए का सेकंड है बी का फिफ्थ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। देन हॉवर्ड्स एंड किसने लिखा है, ईएम फॉस्टर ने। और प्ल्यूम्ड सर्पेंट जो है वो लिखा है डीएच लॉरेंस ने, प्ल्यूम्ड सर्पेंट डीएच लॉरेंस ने। और बैरन लीव लिखा है एल्डस हक्सले। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही होगा यहाँ पे। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर, हु इज द क्रिएटर ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर किसने क्रिएट किया है, ये जूलियन सोरेल। जूलियन सोरेल जो है एक ये प्रोटैगनिस्ट है द रेड एंड द ब्लैक, ये एक बुक लिखी है स्टेंडल ने, फ्रेंच राइटर है स्टेंडल, ठीक है। ये स्टेंडल जो है ये एक सूडोनेम है और इनका रियल नेम जो है मैरी हेनरी बाइल, ये रियल नेम है और ये इनका सूडोनेम है। तो ये इन्होंने इसको क्रिएट किया है स्टेंडल ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इसमें राइट आंसर है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्शनल कैरेक्टर इज बिलीव्ड टू बेस्ड ऑन द 15th सेंचुरी रियल लाइफ कैरेक्टर लाद एम्पलर, लाद एम्पलर जो है इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये 15th सेंचुरी का एक रियल लाइफ कैरेक्टर है लाद एम्पलर, और एक फिक्शनल कैरेक्टर जो है वो एक बुक में दिखाया गया है। तो वो कौन से जो है वो 15th सेंचुरी वाले पे बेस्ड है, तो काउंट ड्रैकुला जो है ये कैरेक्टर है। ड्रैकुला एक गोथिक नॉवल है, 1897 में इसको लिखा गया था और इसको लिखा था ब्रैम स्टोकर्स ने, ब्रैम स्टोकर्स, ठीक है, ब्रैम स्टोकर ने इसको लिखा था 1897 में। काउंट ड्रैकुला एक कैरेक्टर है जो बेस्ड है रियल लाइफ कैरेक्टर लैड एम्पलर पे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट, हु रोट द एसे माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स, फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट वॉज रिटन बाय विलियम हेजलिट। रोमांटिक से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बहुत ही, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे, आज की वीडियो में हम ऑलमोस्ट जो है वो 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम इसका सेकेंड पार्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, इनको एनालाइज कीजिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।